हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बताएंगे आपको शाही पनीर व्हाइट ग्रेवी बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम जायकेदार रेसिपी लेके आते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पेस्ट बनाना है, तो हम इसमें दो कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। मैंने मीडियम साइज की दो प्याज ली है। आप लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँगा आपको। इसमें दही ऐड करेंगे हम 150 ग्राम। इसमें हम काजू ऐड करेंगे, ये एक छोटी कटोरी काजू है, आप एक मुट्ठी काजू मान लीजिए। इसके अंदर हम दखनी मिर्च ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। इसमें हम 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे। बस ये हम इसका पीस लेते हैं। जब तक हम इसका पेस्ट बनाए चलते हैं मसाले को तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। मैं रिफाइंड का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसे मक्खन ही बना सकते हैं। इसमें हम एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे। इसमें हम एक टमाटर मीडियम साइज का कटा हुआ ऐड करेंगे, इसका गूदा निकाल दिया था मैंने। इसके अंदर हम थोड़े से अदरक की स्लाइस ऐड करेंगे। इसमें 2-3 हरी मिर्चें स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। इसको हमें फ्राई करना है, थोड़ा ही फ्राई करेंगे इसको हम। इसे मिला लेते हैं पहले अच्छे से। इसके अंदर हम 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से, इसको फ्राई होने देंगे थोड़ी देर। ये देखिए, आप थोड़ा सा फ्राई करना था मुझे, आपको इस तरीके से फ्राई करना है, बस इतना ही फ्राई चाहिए हमें, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसे हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इतना फ्राई करना है आपको। जो ये तेल बचा है, इसके अंदर हम 1 चम्मच मक्खन ऐड करते हैं। इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1.5 चम्मच हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भूनेंगे। सिर्फ अदरक का पेस्ट ऐड करना है आपको इसमें, ये कुटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं आप इसमें। इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और काजू का, उसे ऐड करेंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का, बहुत स्वादिष्ट लगती है ये। इसमें एक खद्दा आ गया है, इसको हम ढक के कुक करेंगे। ये ढक के कुक किया है मैंने 5 से 6 मिनट। ये देखिए, अब पानी थोड़ा कम हो चुका है, पर प्याज इसमें ज़्यादा है, तो प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से भूनना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। लगभग इसी तरीके से हम इसको 2-3 बार इसे भूनेंगे, लगभग 10 मिनट। इसके अंदर हम पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, ये 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला है, और 1/2 चम्मच नमक है। इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसको और अच्छे भूनने के लिए हम इसके क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जिसमें मैंने पेस्ट बनाया था, उसी में मैंने पानी को खंगाल के हल्का सा इसमें ऐड किया है। लगभग 1/2 कटोरी पानी है, और इसे मिलाएंगे अच्छे से। जब तक पानी अच्छे से सूख ना जाए, हम इसे चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। ये देखिए आप, अच्छे से पानी इसका ख़त्म हो चुका है, मसाला भुन चुका है अच्छे से। इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे। ये लगभग 300 ग्राम पनीर है, आप किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में काट सकते हैं। और ये शिमला मिर्च और हमारा टमाटर जिसको हमने फ्राई किया था, इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। ये 1 कटोरी फ्रेश क्रीम है, इसे मिलाएंगे अच्छे से। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और स्वादिष्ट तो होती है ये रेसिपी। ये अच्छे से मिला लिया है मैंने। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ये 1/2 गिलास पानी है, आप चाहे तो इसकी जगह दूध भी यूज कर सकते हो, उससे वाइटनेस ज़्यादा आती है। इसे मिलाएंगे अच्छे से। मसाला हमने अच्छे से भून ही लिया था, ये सब मिला के अब हम इसमें खद्दा आने देते हैं। ये देखिए, अब खद्दा आने लगा, अब हम इसको ढक के 4-5 मिनट कुक करेंगे। ये लगभग 4 मिनट मैंने इसे ढक के कुक किया है, और ये देखिए शाही पनीर हमारा
वाइट ग्रेवी के साथ तैयार हो चुका है एकदम खाने के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छी है और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको बनाने का, हमने कोई सिंपल मसाले यूज किए, हमने ज़्यादा खड़े मसाले यूज बिल्कुल नहीं किए इसमें हमने। ये देखिए आप शाही पनीर वाइट ग्रेवी खाने के लिए एकदम तैयार है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का, तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सके। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।